इस राशियों के क्रम में सिंह राशि की बात करते हैं। तो जो सिंह राशि वाले जातक होते हैं, आज आपको पराक्रम से बड़ी सफलता मिलेगी, संतान से मन आपका प्रसन्न रहेगा। न्यायालय में अगर कोई कार्य आपका मुकदमा चल रहा होगा तो उसमें आपको विजयश्री मिलने की संभावनाएं बन रही हैं। आज से अत्यधिक व्यय होगा जिससे मन थोड़ा सा आपका चिंतित हो सकता है। और आज आपको क्या करना है कि आपका मिथुन राशि में चंद्रमा और सूर्य एक साथ है, तो आय भाव जो एकादश भाव होता है और एकादश भाव से सीधे पंचम भाव पर दृष्टि पड़ेगा, जहाँ शनि बैठा हुआ है, सूर्य शनि को देख रहा है, शनि सूर्य को देख रहा है। तो आज इस तरह के कोई अज्ञात व्यक्ति आपकी लाइफ में आएगा जो आपसे कोई बड़ा बिजनेस डील करना चाहेगा और आपसे चाहेगा कि कोई आपका रखा हुआ धन वो लेने के फिराक में रहेगा। तो आज आपको ध्यान रखना है कि कोई अज्ञात व्यक्ति से कोई लेन देन नहीं करना है, कोई डील नहीं करना और कोई भी नया व्यापार करने में सावधानी बरतनी, नहीं तो आज आपको नुकसान हो सकता है। आय तो होगा नहीं लेकिन खर्चे बढ़ जाएंगे, खतरे हैं, तो इससे थोड़ा आज आपको बचना है, ध्यान रखना है। और आपको इसके लिए क्या करना है, इसके लिए आपको क्या करना है कि गाय को अगर रोटी खिलाते हैं तो अच्छा रहेगा। सावधानी क्या बरतनी है, सावधानी बरतनी कि रोग एवं शत्रु को हल्के में ना लें, उनको पर थोड़ा सा कॉन्शस रहिए, अपने सिंसियर रहिए, अच्छा रहेगा आपके लिए। उपाय क्या करना है, लाल वस्त्र का दान करें, अच्छा रहेगा। शुभ अंक 1 है, शुभ रंग लाल है और लक मीटर 7 है। हरे कृष्ण।